सो हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। मैं आपका दोस्तों अमृत वेलकम करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले पोर्टफ्लिप एप्लीकेशन पे आपको लॉगिन कैसे करना है। मतलब कि दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पोर्टफ्लिप एप्लीकेशन पे आपको डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने और आपकी ज्वाइनिंग कैसे करनी है। तो वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखो, क्योंकि इसमें कंप्लीट प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ पोर्टफ्लिप ऐप पे आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले, कैसे कैसे अपलोड करना है। दोस्तों मैं बहुत सारे लोगों को दोस्तों डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में प्रॉब्लम्स आती है, कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने और डॉक्यूमेंट्स इसमें अप्रूव हो गए। मतलब कई बार क्या होता है, आप गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दे तो आपका जो वेरिफिकेशन है वो पेंडिंग रह जाता है। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं पोर्टफ्लिप एप्लीकेशन के बारे में कि आपको एप्लीकेशन पे डॉक्यूमेंट्स कौन से अपलोड करने और कैसे अपलोड करने। तो चलिए दोस्तों, तो वीडियो पे बने रहे लास्ट तक। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, तो बिना किसी टाइम पास के आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको प्ले स्टोर पे जाके पोर्टफ्लिप पार्टनर ड्राइवर एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो आप भी जाके कर सकते हैं अगर अभी तक आपने किया नहीं है। और दोस्तों उसके बाद में जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो कुछ इस तरीके से आपको लोकेशन परमिशन मांगेगा, जो कि आपको देना है। कुछ इस तरीके से आप जैसे क्लिक करते हो नीचे आपको अलाउ कर देना है। जैसे कि आप जैसे आप इस लोकेशन परमिशन पे क्लिक कर देते हो दोस्तों, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो लोकेशन है वो टाइम टू टाइम एप्लीकेशन लेता रहेगा और आपके नियरेस्ट जो भी ऑर्डर्स है वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो अलाउ लोकेशन परमिशन पे आप जैसे ही क्लिक करते हो उसके बाद में कुछ इस तरीके से आपको मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिखाई दिया जाएगा, जिसमें आपको डालना है आपका जो भी मोबाइल नंबर से आप लॉगिन करना चाहते हो वो नंबर आप इसी में डाल सकते हो। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप जैसे नंबर डाल देते हो नीचे आपको जो स्क्वायर बॉक्स है उसमें आपको टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना है, उसके बाद में लॉगिन पे क्लिक करना है। एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कुछ परमिशंस मांगेगा, वो आपको दे देने हैं। उसके बाद में दोस्तों जैसे आप परमिशन अलाउ कर देते हो कुछ इस तरीके से आपको ओटीपी का स्क्रीन दिखाई देगा, आपका ओटीपी आ जाता है तो ऑटोमेटिकली आप लॉगिन हो जाते हो। उसके बाद में दोस्तों कुछ इस तरीके से दो ऑप्शन दिखाई दिए जाएंगे, जो कि ऊपर आपको दिखा रहेगा पार्टनर नंबर और नीचे है ओनर नंबर। तो दोस्तों इसमें कंफ्यूज मत हो जाइए, अगर आप खुद गाड़ी चला रहे हो और खुद गाड़ी के मालिक हो तो दोनों जगह पे आप सेम डिटेल्स भर सकते हो। अगर आप मालिक अलग है और अगर गाड़ी कोई और चला रहे, मतलब गाड़ी आपके ड्राइवर के हाथ में है, तो आप ऊपर में ड्राइवर का डिटेल्स डाल सकते हैं, उसका नाम और उसका नंबर, और नीचे आप अपना मालिक का नाम और नंबर डाल सकते हो। उसके बाद में दोस्तों प्रोसेस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसेस पे क्लिक कर लेते हो तो कुछ इस तरीके से आपको पेज ओपन हो जाएगा, जो कि आपके ऊपर में एक ऑप्शन है सिलेक्ट सिटी का। तो आप दोस्तों आपको सिटी सिलेक्ट करना है, जैसे कि अगर आप मुंबई से हो तो मुंबई सिलेक्ट करना है, अगर आप पुणे से हो तो पुणे सिलेक्ट करना है। अहमदाबाद दिखा रहा है बट दोस्तों अभी तक अहमदाबाद में ऑपरेशनल नहीं है, तो आप मुंबई या पुणे में से दोनों में से चूज कर सकते हो अगर आप मुंबई पुणे से हो तो। उसके बाद में दोस्तों मुंबई पुणे आप जैसे चूज करते हो तो आपको एरिया सिलेक्ट करना है, जैसे कि देख सकते हो मैंने अपना एरिया सिलेक्ट कर लिया है वड़गांव शहरी। उसके बाद में दोस्तों आपको सिलेक्ट व्हीकल टाइप, मतलब आपकी गाड़ी कौन से टाइप की है वो सिलेक्ट करना है। तो कुछ इस तरीके से आपको थ्री व्हीलर आपके अगर दोस्त पिकअप है या फिर बोलेरो पिकअप है या फिर महिंद्रा जीतो है या फिर आपकी सुपर कैरी, तो आपको ऑप्शंस दिए गए सारे, जो भी सेगमेंट की आपकी गाड़ी रहेगी तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों आपको नीचे डालना है व्हीकल नंबर, तो दोस्तों आपके जो भी गाड़ी का व्हीकल नंबर है, गाड़ी नंबर है, वो आप इधर डाल लो। मैंने अपना व्हीकल नंबर मैन्युअली डाल लिया है। तो कुछ इस तरीके से जैसे आप गाड़ी का नंबर डाल लेते हो तो कुछ इस तरीके से नीचे आपको दो ऑप्शन दिखाई जाएंगे, जो कि एक क्लोज बॉडी ओपन बॉडी, मतलब कि अगर आपकी गाड़ी पैक बॉडी तो आप उसको क्लोज बॉडी सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आपकी गाड़ी अगर ताड़पत्री है तो आप उसको ओपन में सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों आप जैसे नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर लेते हो तो आपको कुछ इस तरीके से एक परमिशन आएगा, उसको आपको अलाउ करना है। कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर दिखाया जाएगा आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, तीन ऑप्शन से ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड और आरसी बुक, ये तीन ही डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले, आपका आईडी प्रूफ, आपका लाइसेंस और आपका आधार कार्ड, आपके जो आरसी बुक है वो लगने वाला है। तो कुछ इस तरीके से जैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस पर क्लिक कर लेते हो दोस्तों, तो आपको फ्रंट बैक दोनों का भी फोटो डालना है। आप गैलरी से भी डायरेक्टली अपलोड कर सकते हो या फिर फोटो भी क्लिक करके डाल सकते हो। आपके आईडी की जगह पे आपको आधार कार्ड डालना है, ये जरूर ध्यान में रखिए दोस्तों। आधार कार्ड पे आप जिस सिटी में आप रहते हो, मतलब जिधर आप काम करना चाहते हो, जिधर आप लॉगिंग कर रहे हो, या मुंबई या फिर पुणे में, तो आधार कार्ड पे भी आपका मुंबई पुणे का एड्रेस होना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों जैसे आप सारे फोटोज अपलोड कर लेते हो जो भी डॉक्यूमेंट्स है, उसके बाद में कुछ इस तरीके से आपको ग्रीन टिक दिखाई जाएगी, जो कि ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड और इसके ऊपर। दोस्तों कुछ इस तरीके से नीचे आपको मैसेज में दिखाई होगा जो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, अगर 24 आवर्स में वेरिफिकेशन नहीं होता तो आप उनको व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो कस्टमर केयर सर्विस पे। जैसे आपका वेरिफिकेशन होता है तो कुछ इस तरीके से मैसेज आएगा कांग्रेचुलेशन, उसके बाद आप डायरेक्ट मेन स्क्रीन पे आ जाते हो, जैसे कि कुछ इस तरीके से ऑनलाइन ऑफलाइन का आपको ऑप्शन दिखाया जाएगा। अगर आप ऑफलाइन हो तो आपको कुछ इस तरीके से रेड स्क्रीन दिखाई जाएगी, और जैसे आप ऑनलाइन जाते हो तो कुछ इस तरीके से लोकेशन परमिशन वापस से मांगेगा, उसको आपको अलाउ करना है। और कुछ इस तरीके से आपको जो ऑफलाइन का बटन है वो ग्रीन दिखाई जाएगा, मतलब कि इसका मतलब कि आप ऑनलाइन हो। अगर आपको ऐसे दिखा रहा तो इसका मतलब
मतलब ये कि आपको कौन से भी आपका नियरेस्ट ऑर्डर रहेगा तो आपको डायरेक्टली स्क्रीन पे आ जाएगा। दोस्तों कुछ इस तरीके से ये एप्लीकेशन काम करता है और कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस है दोस्तों। जैसे कि देख सकते हो स्क्रीन पे आपका नाम, आपकी गाड़ी का नाम, उसके बाद में आपका गाड़ी का नंबर और नीचे दो ऑप्शन है, आउटस्टेशन और एक्ट एज हेल्पर का। आप उसको ऑन भी कर सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो, आपके हिसाब से आप उसको रख सकते हो। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा होगा फोल्ड प्ले एप्लीकेशन में कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, कंप्लीट प्रोसेस मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग के जरिए आपको बता दिया। अगर आपको कुछ बातें समझ में आई होगी तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और कमेंट करके ये भी बता देना कि कितने कितने लोगों ने पोर्ट फ्लिप एप्लीकेशन में अपना लॉगिन कर लिया। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दो पोर्ट फ्लिप एप्लीकेशन अभी पुणे में और मुंबई में ऑपरेशनल है। आप इस पे इसके ऊपर ऑर्डर्स भी ले सकते हो, धीरे धीरे इसके ऊपर ऑर्डर भी इंक्रीज हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाएगा, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर ले क्योंकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।